नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। बहुत बधाई देती हूँ और सभी वुमन्स को मैं अपने तरफ से वुमन्स डे के अवसर पर बधाइयाँ देती हूँ। और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट, और वो भी आज के दिन वो जो लोगों को फ्री में प्रदान कर रहे हैं, अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और लोगों को, खास करके महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं कि आप में भी अगर कुछ टैलेंट है तो आप आइए, हम आपको फ्री में बहुत सारी अच्छी अच्छी दिशाओं पर लेके जा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहले ये लिफ्ट फाउंडेशन को बधाई देती हूँ कि उन्होंने अच्छा ये प्रोग्राम किया है, क्योंकि आज के तारीख में जैसा योग और पार्लर ये दोनों सुंदरी का वही काम है, तो ये लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और मुक्त किया है। तो आज एक ही लेडीज अगर अपने घर में ही पार्लर खोलती है तो इसको पूरा महीने का खर्चा निकाल सकते हैं और दूसरों को भी सिखा सकती है, दो पैसे कमा सकती है। इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं इन लोगों का आभारी हूँ कि ये प्रोग्राम में आए और अपना यहाँ पे योगदान जो अपने अपने तरीके से लोग दे रहे हैं। मेरी टीम जो है 100% महिलाओं की टीम है और आज महिला डे पे हम लोगों ने जो यहाँ पे प्रोग्राम्स रखा है, जॉब फेयर यानी 5000 महिलाओं को जॉब देने का हमारा कार्यक्रम है, खास करके उनको कि जो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और सालों साल एक लिमिट दायरे तक सीमित रहते हैं, तो उनको हम लोग एजुकेशन भी दे रहे हैं और उनको जॉब भी दे रहे हैं। तो एक जॉब फेयर हमने आज के दिन से शुरुआत किया है, ये 2 महीने तक हमारा फेयर चलेगा। 2 महीने तक हम लोग कम से कम 5000 लोगों को जॉब दें, ऐसा हमने लिफ्ट अकेडमी के जरिए प्रोग्राम बनाया है और उन लोगों को निःशुल्क एजुकेशन भी देने जा रहे हैं कि जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको आगे जाना, अपनी फैमिली संभालनी है। रीजन बहुत सारे होता है महिला के साथ कि किसी के साथ मिस्टर के प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी के पापा मम्मी के प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी के बच्चों के प्रॉब्लम होते हैं, पर उनको भी अपना कैरियर बनाना है तो लिफ्ट अकेडमी उनको सहयोग करती है। और आज तो स्पेशली उनके लिए खास प्रोग्राम डिजाइन किया है वुमन डे पे, उनको आगे बढ़ाया जाए, उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जाए, क्योंकि हम अगर कुछ पैसे लोगों को दे देते हैं, कुछ गिफ्ट दे देते हैं तो वो एक दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन अगर एक महिला अपने पैरों पर खड़ी हो गई तो जब तक वो जीवित रहेगी वो अपने पैरों से आगे बढ़ेगी। इससे बड़ा कोई योगदान नहीं हो सकता मेरी नज़र में। महिलाओं को लोन दिया जाएगा जो हमारी बैंक की गाइडलाइंस रहेंगी उसके अंतर्गत ही दिया जाएगा। इसमें 2 तरह की स्कीम रहती है, एक तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना रहती है, दूसरी रहती है एक DIC के थ्रू फाइल्स आती हैं जिसमें सब्सिडी मिलती है, तो उनके ऊपर ऑप्शन है वो कौन सा सब्सिडाइज लोन लेना चाहते हैं या नॉन सब्सिडाइज लोन लेना चाहते हैं। और जहाँ तक हो सकेगा आंध्रा बैंक उनको पूरा पूरा सहयोग देगी। अगर उनका मतलब काम के पीछे सोच अच्छी है तो हम उस सोच को आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद। अकेडमी मिस्टर श्याम के चेयरमैन मिस्टर श्याम शर्मा को बधाई देती हूँ, जिन्होंने महिलाओं के लिए एक रोज़गार शुरू करने के लिए उनको प्रोवाइड किया है। और महिलाएं जो जिनके हस्बैंड लोग कमाते नहीं हैं, कुछ नहीं करते हैं, और वो लोग अपने पांव पे खड़े होने के लिए मजबूर होती है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते हैं सीखने के लिए, तो वो फ्री कोर्स सीखेंगी, फिर उनको हम लोग जॉब देंगे, तो इससे बड़ा योगदान तो कुछ हो ही नहीं सकता है। इसके लिए मैं आज वुमेंस डे पर लिफ्ट अकेडमी को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। महिला कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी हूँ, प्रोफेशनल सेल की हूँ कोऑर्डिनेटर, तो हम पूरे महाराष्ट्र में घूमते हैं। तो जो लिफ्ट फाउंडेशन ने अभी अपना ये बीड़ा उठाया है तो मैं और भी बहनों को ये पहुँचाऊँगी
कि ये सबको जॉब देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी 5 महिलाओं को ये देंगे और 2 महीने 5,000 को देंगे और 2 महीने में पूरा ये टारगेट पूरा करेंगे ना जी। 2 महीने में ये शर्मा जी पूरा टारगेट करेंगे, तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। और आपका मैसेज है, मैं ज़रूरतमंद महिलाओं तक ज़रूर पहुँचाऊँगी, क्योंकि उनको आवश्यकता है। जो आप ये महिलाओं को काम दे रहे हैं कि घर में बैठ के वो पार्लर कर सकती हैं, तो उनको घर से बाहर भी नहीं निकलना और अपना घर भी देखना है, तो ये आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मेरी ज़रूरतमंद बहनों को इसका बहुत फ़ायदा होगा और मैं आपसे संपर्क करके ज़रूर उन बहनों को भेजूंगी। और दूसरी मुझे ये खुशी है, आज माटुंगा स्टेशन महिलाओं को दे दिया गया है। 40 महिलाओं को माटुंगा स्टेशन की जवाबदारी दे दी गई है सरकार ने। तो क्या है, सारी बहनें TC भी हैं और सब महिला पुलिस है, तो आज मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि बॉम्बे जैसे शहर में महिलाओं पे इतना विश्वास किया है, जवाबदारी दी है। और जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है वो भी ये पार्लर का काम सीख सकती हैं, जिस तरह से जॉब दे रहे, तो उन बहनों के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसलिए शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई दे रही हूँ। धन्यवाद। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।